सोलन वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फिर से टेक फॉर एट यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आप लोग को यहां पे बताऊंगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जो कि हैड कैसे कर सकते हो। व्हाट्सएप चैट के बारे में तो आप मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था, बहुत ही ज्यादा आपने सपोर्ट दिखाया। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप हैड करना चाहते हो तो मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हो ना तो बिना आप सीखे नहीं जा सकते, ये मेरा गारंटी। अगर आप नहीं सीख पाते हो गाइस तो आप कुछ भी कॉमेंट कर सकते हो या वीडियो को डिसलाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना मैं बोल रहा हूँ, इतना मेरे को विश्वास है, तो आप लोग को पता होगा मैं यहाँ पे आप लोग को क्या सिखाने वाला हूँ। तो बहुत ज्यादा ईजी है, आपको 5 साल का बच्चा भी देखेगा तो 100% कर सकता है मेरे स्टेप को फॉलो करके। लेकिन सर एक ही है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए या फिर पुराने बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और कहाँ गए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको पता है हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट पॉइंट बात पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा बगल में, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड सारा लाइव बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते एक ग्रुप है ऊपर एविएटर वीआईपी के नाम से, एक हमने ग्रुप ऐसे ही बना के रखा है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली अगर इसको हाइड करना है तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके रखना। पहले हम लोग क्या होता है, देखो कोई अगर वीडियो बनाया है आपने उसे देखा हो तो बोलता है अचीव कर दो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे उधर से मैसेज आता है ग्रुप में तो वो ऊपर चला जाता है, मतलब निकल जाता है, मतलब थोड़े देर टाइम के लिए वो हाइड होता है लेकिन वो वर्क नहीं करता। मैं आपको 100% वर्किंग बताऊंगा। यहाँ पे क्या करना, हम लोग को अचीव वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, उसके बगल में 3 डॉट आप लोगों को देखने को मिल जाता है दोस्तों, आपको सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो हम लोग को सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे लॉक चार्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा यूजफुल है और ये अभी अपडेट में आया, पहले नहीं होता था, तो काफी लोगों को ये पता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो लाना चाहिए। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना, लॉक चार्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और फिंगरप्रिंट मांगेगा तो आपको फिंगरप्रिंट देना है, या फिर अगर कोई पैटर्न मांगेगा तो आपको सिंपली पैटर्न दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ, देख सकते हो वो तो हट चुका है, मैंने जैसे हेड किया हट चुका है और ये कहीं भी स्क्रॉल कर लो आपको नहीं मिलेगा, लास्ट में भी चले जाओगे तो नहीं मिलेगा। वो आपको कैसे निकालना है, बहुत ज्यादा इजी है, हम लोग को सिंपली एक स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे की तरफ, आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, ठीक है, इस तरह का कुछ आपको स्क्रॉल करना और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा लॉक्ड चैट का एक ऑप्शन देखने को आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपने जो पासवर्ड लगाया था या फिर आपने जो फिंगरप्रिंट लगाया था आप जैसे उसको डालोगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और इसको बिना आपकी इजाजत के कोई भी ओपन नहीं कर सकता, कोई भी खोज नहीं सकता, काफी ज्यादा यूजफुल है। और दोस्तों हम लोगों ने हाइड करना भी सीख लिया, लेकिन हम लोग क्या करना है अभी इसको बाहर भी निकालना, तो हम लोग उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है, क्लिक करके रखने के बाद फिर से हम लोग को 3 डॉट पे जाना और फिर से हम लोग को अनलॉक चैट पे चले जाना, फिर से पासवर्ड दे देना। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी चैट है जो कि लॉक अभी तक नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर से ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार काट लेता हूँ, उसके बाद ओपन करता हूँ, फिर एविएटर सर्च करता हूँ, देख सकते हो एविएटर सर्च करने पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे अगर हाइड करता हूँ, देख सकते हो मैं इसको पहले पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस ग्रुप को यहाँ पे पिन कर दिया, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ पहले, उसके बाद मैं सर्च करके दिखाऊंगा, सर्च करने पे भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको फिर से यहाँ पे लॉक करते हैं और हम सर्च करते हैं एविएटर, तो देख सकते हैं एविएटर से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करने हैं, बहुत ज्यादा इजी है था, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी भी कॉमेंट सेक्शन यहाँ पे ओपन है, आप कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय।